एबीजी शिपयार्ड ने 28 बैंकों को 22,842 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि देश के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड में कंपनी ने 2012 से 2017 के बीच धोखाधड़ी की, जबकि इसका सच कुछ दिन पहले ही सामने आया है। जिन बैंकों को शिपयार्ड कंपनी ने धोखा दिया है उसमें SBI, IDBI और ICICI जैसे जाने माने नाम भी शामिल हैं। आइए पहले आपको इस कंपनी के बनने से लेकर अब तक की कहानी बताते हैं। साल 1985 में ABG शिपयार्ड खोली गई। इसे ऋषि कमलेश अग्रवाल द्वारा शुरू किया गया था। कंपनी शिप यानी पानी के जहाज बनाती और उनकी मरम्मत करती थी। इसके लिए गुजरात के दाहेज और सूरत में कंपनियों के पास शिपयार्ड थे। कंपनी ने कामकाज शुरू करने के बाद के 16 सालों तक 65 जहाज बनाए। 2005 से 2010 के बीच बैंकों ने खुले हाथों से ABG शिपयार्ड को कर्ज दिया। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बावजूद ये सिलसिला जारी रहा। ABG शिपयार्ड को भी इस समय तगड़ी मार पड़ी। उसे वर्किंग कैपिटल में कमी हुई, जिसने आखिरकार ABG शिपयार्ड को पहले नकदी संकट फिर वित्तीय मुश्किलों में फंसा दिया। मार्च 2014 में SBI ने कॉरपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग यानी CDR के जरिए ABG शिपयार्ड को बकाया चुकाने के लिए अधिक मोहलत और दूसरी रियायतें दी। ये राहत भी बेअसर साबित हुई, क्योंकि कंपनी तय समय पर न तो ब्याज दे पाई और न ही किस्त। थक हार कर जुलाई 2016 में कंपनी को दिए गए लोन की पिछली तारीख से नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी फंसा हुआ कर्ज घोषित कर दिया गया। फिर जनवरी 2019 में SBI ने एक बड़ा धमाका किया। उसने ABG में एक फ्रॉड पकड़ा। ऑडिट से ये मालूम हुआ कि बैंकों से जो कर्ज लिया जा रहा है उसे कहीं और भेजा जा रहा है। कर्ज की रकम का दुरुपयोग की बात भी सामने आई, यानी बैंक के पैसे से कंपनी के प्रमोटर मालामाल हो रहे थे, जबकि कंपनी का दिवाला निकल गया। उसने पैसे के हेरफेर के लिए 89 सहयोगी कंपनियों का जाल बुना था। इस मामले में पहली शिकायत नवंबर 2019 में SBI ने ही दर्ज कराई। इसके बाद अगस्त 2020 में पब्लिक सेक्टर के बैंकों ने भी कई व्यापक शिकायतें सौंपी। इससे 6 महीने बाद 7 फरवरी 2022 को CBI ने ABG शिपयार्ड और ABG इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ केस दर्ज किया। जांच एजेंसी की FIR कहती है कि कंपनी पर बैंकों का कुल 22,842 करोड़ रुपया बकाया है। इसमें सबसे अधिक पैसा 7,089 करोड़ रुपया ICICI का है, SBI का 2,925 करोड़, IDBI बैंक का 3,639 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा का 1,614 करोड़, PNB का 1,244 करोड़ रुपए, एक्सिम बैंक का 1,327 करोड़, इंडियन ओवरसीज बैंक का 1,244 करोड़ और बैंक ऑफ इंडिया का 719 करोड़ रुपया बकाया है। फिर 15 फरवरी को CBI ने कंपनी के प्रमोटर ऋषि अग्रवाल और कंपनी के अधिकारियों संथानम मुत्तुस्वामी और अश्विनी कुमार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। इस मामले में जो बात चौंकाती है वो ये है कि बैंकों की नींद बहुत देर से खुली और जांच एजेंसियों ने लंबे वक्त तक इस मामले में कुछ भी नहीं किया। हम लोगों के लिए हिजाब, जाति, धर्म, कांग्रेस, BJP का सपोर्ट और विरोध ही मेन मकसद दिख रहा है। उधर मेगुल और ऋषि भाई हमारी, आपकी और अपने देश की जनता का खून पसीने का पैसा लेकर विदेश पहुंचकर ऐश काट रहे हैं। आप हम ड्रेस कोड मंदिर मस्जिद करते रहेंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ाते रहेंगे, दोस्ती तोड़ लेंगे। उधर मेगुल भाई याच में पार्टी करेंगे और ऋषि अग्रवाल सिंगापुर में मौज मस्ती करते दिखेंगे। आज अगर कोई साधारण आदमी लोन लेने के लिए बैंक जाता है तो बैंक उसके पिछले 7 पीढ़ियों की जानकारी और संपत्ति के दस्तावेज चेक करते हैं। अगर कोई साधारण आदमी किसी मजबूरी वश 1,000 रुपये का लोन नहीं चुका पाता तो उसे बाउंसर भेजकर पिटाई करवा दी जाती है, उसकी संपत्ति सीज कर ली जाती है। लेकिन देश का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड होता रहा, सबको जानकारी मिलती रही, लेकिन बैंक, सरकारी एजेंसी और सरकारों ने तब तक कुछ नहीं कहा जब तक वो ऋषि अग्रवाल सारा पैसा लेकर देश छोड़कर सिंगापुर नहीं भाग गया। जी हाँ, ऋषि अग्रवाल सिंगापुर के नागरिक हैं।
उन्होंने ये व्यवस्था काफी पहले कर ली थी। शायद उन्हें पता था कि उनके कुकर्मों का खजाना एक दिन खुल जाएगा, इसलिए पहले ही वो रडार से बाहर निकल चुके थे। सोचिए, क्या कोई यूं ही बैंकों को 23,000 करोड़ रुपए का चूना लगा सकता है? नहीं। आपको अगर 10 लाख का लोन लेना हो तो बैंक नानी याद दिला देता है। फिर अग्रवाल भाई के लिए सब कुछ इतना आसान कैसे था? साफ है, इस खेल में बैंक के लोग भी शामिल थे और भाई जी को किसी न किसी का राजनीतिक संरक्षण जरूर मिला होगा। एबीजी का प्रमोटर ऋषि अग्रवाल मोदी जी के एकमात्र उपलब्धि गुजरात समिति का जाना माना चेहरा था। हर साल उसमें भाग लेता था, बैंकों से पैसे निकालने के लिए फर्जी दस्तावेज पेश किया करता था। SBI ने 2018 में चिट्ठी लिखकर CBI को आगाह किया था कि एबीजी में फ्रॉड चल रहा है। एक साल बाद जून 2019 में उसके अकाउंट में फ्रॉड तो घोषित किया गया, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। क्यों? इसका जवाब तो पाकिस्तान देगा। राहुल गांधी या नेहरू देंगे या फिर कांग्रेस पार्टी देगी। हैरान करने वाली बात यह है कि जो ऋषि अग्रवाल बैंकों को आराम से 23,000 करोड़ रुपए का चूना लगा पाने में सफल हो गया, उसकी कुल संपत्ति मात्र 300 करोड़ रुपए की है। मतलब बैंकों ने उसे पैसा देते वक्त सिक्योरिटी के बारे में कोई पड़ताल की ही नहीं। एबीजी शिपयार्ड ने पिछले 2 सालों में महामारी के दौरान 20,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी से निकाला। इसमें कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनकी सैलरी अभी तक नहीं मिली है। मतलब ये है कि अगर बैंकों को करीब 23,000 करोड़ रुपए का चूना अपने अग्रवाल भाई लगा पाए हैं तो बिना बैंक वालों की मिलीभगत के ये मुमकिन हो ही नहीं सकता, और इसके साथ में राजनीतिक संरक्षण भी उन्हें मिला ही होगा। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि बैंक धोखाधड़ी के मामले में जांच में देरी, मोदी सरकार के शीर्ष पदों पर आसीन लोगों की साठगांठ और आपसी मिलीभगत के सबूत हैं। सुरजेवाला ने कहा है कि गत 75 वर्षों में पहली बार 22,842 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। 5 साल तक टालमटोल करने, जनता के धन को दिन दहाड़े गबन करने की छूट देने के बाद आखिरकार केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले में 7 फरवरी को FIR दर्ज की। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार बैंकों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के लिए लूटो और भागो योजना चला रही है। उन्होंने कहा है कि धोखाधड़ी करने वालों की सूची में नीरव मोदी यानी छोटा मोदी, मेगुल चौकसी, निशल मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, जतिन मेहता, चेतन संदेशरा, नितिन संदेशरा और अन्य भी कई नाम शामिल हैं जिनका सत्ताधारी पार्टी के साथ करीबी रिश्ता रहा है। ऋषि अग्रवाल और अन्य लोग इस सहिंसा के नए रत्न हैं। नंबर 1, पिछले 7.5 साल में मोदी सरकार में 5 लाख और चौकी 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड हुए। मैं फिर दोहराता हूं, 3 महत्वपूर्ण तथ्य। पिछले 7.5 साल में मोदी सरकार में 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड्स हुए। पिछले 7 साल में मोदी सरकार में बैंकों ने देश के लोगों की 8,17,000 करोड़ रुपया राशि बट्टे खाते में डाल दी है। तीसरा, मोदी सरकार के 7 साल में बैंकों के NPA में 21 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। देशवासियों, ये आपका पैसा है जो देश के बैंकों में है, और लूटो और भागो, बैंक का पैसा लूटो, आपका पैसा लूटो और भागो, ये मोदी सरकार की बैंक के फ्रॉडस्टर्स के लिए फ्लैगशिप स्कीम है। तो उन्होंने हर समाचार पत्र में पढ़ा कि एबीजी शिपयार्ड और उसके मालिक ऋषि अग्रवाल देश का बैंकों का 28 बैंकों का समेत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 22,482 करोड़ रुपए का फ्रॉड उन्होंने किया है। 22,482, ये 75 साल में होने वाला सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड है। और 5 साल की देरी के बाद, यह महत्वपूर्ण है जो किसी कहीं आपको मिलेगा नहीं, 5 साल की देरी के बाद, बार बार फाइलें इधर से उधर करने के बाद,
फ्रॉडस्टर्स को पैसा गबन करने का पूरा मौका देने के बाद, भगोड़ों को भाग जाने का मौका देने के बाद, 60 महीने की देरी के बाद आखिर में सीबीआई ने 7 फरवरी 2022 को 28 बैंकों के साथ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करी। 28 बैंक। साथियों, ये पहली बार नहीं है, मोदी जी की लूट और एस्केप फ्लैगशिप स्कीम के कई मोहरे इस देश ने देखे, और पता नहीं उनमें से कई मोदी भी हैं। देखिए उनकी लिस्ट अगर मैं आपको पढ़ूं कुछ की, नीरव मोदी यानी छोटे मोदी, मेहुल चौकसी जिसे प्रधानमंत्री हमारे मेहुल भाई कहकर पुकारते हैं, अमी मोदी, निशल मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, जतिन मेहता, चेतन संदेसरा, नितिन संदेसरा, और ये बहुत सारी बड़ी लिस्ट है। और शहनशाह के जो रतन हैं उनकी लिस्ट में अब ऋषि अग्रवाल का नाम भी जुड़ गया है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस कार्यकाल में हुए घोटालों की एक सूची में एक और मामला बढ़ गया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को बताना चाहिए कि इस सब में सबसे बड़े घोटाले में उसकी क्या भूमिका थी। ऐसा माना जाता है कि कंपनी के प्रवर्तकों के कांग्रेस अध्यक्ष के पूर्व राजनीतिक सलाहकार के साथ करीबी संबंध थे। उन्होंने सीबीआई रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि 22,000 करोड़ रुपए का घोटाला 2012 से शुरू हुआ था। मार्च 2014 में यूपीए की सरकार के अंतिम दिनों में कंपनी के कर्ज का पुनर्गठन किया गया था। एक ऑडिट रिपोर्ट में 2016 में गड़बड़ी का खुलासा हुआ। बीजेपी सरकार ने इस मामले में कार्यवाही की है। अब जो तथ्य उभर कर सामने आ रहे हैं, और सीबीआई ने भी जो कल फैक्ट शीट रखी है उसके आधार पर, तो अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि जिसे वो सबसे बड़ा घोटाला कह रहे थे उसकी टाइमलाइन देख लीजिए कि उसके तार कहां से जुड़ रहे हैं और किस कालखंड का है। उसका कांग्रेस के साथ ऐसा आत्मी और अंतरंग संबंध दिखाई पड़ रहा है कि मानो अब तो भ्रष्टाचारियों और कांग्रेस का कुछ ऐसा नाता हो गया है कि अजी हमसे बचकर कहां जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। अब मैं इसके आलोक में आपको कुछ तथ्य सामने रखता हूं। उन्होंने प्रश्न ये किया था कि एबीजी शिपयार्ड एनपीए हो गई, उसके अकाउंट्स में कई हेराफेरी हुई, कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अब यह तथ्य सामने आया है कि एबीजे शिपयार्ड 30 नवंबर सन 2013 को एनपीए हो गई। 30 नवंबर 2013 को किसकी सरकार थी? सर्वविदित है, कांग्रेस के शासनकाल में। जो फैक्ट्स आए हैं उसमें सबसे ज्यादा जो हेराफेरी हुई है वो 2005 से 2012 के बीच में हुई है, जिसमें उनको नौसेना का एक बड़ा करार यूपीए की शासनकाल में 2011 में दिया गया, जिसे हमारी सरकार ने आकर रद्द कर दिया। जिस 22,000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता महोदय ने किया था वो 2012 में शुरू हुआ। यहां तक अब तथ्य सिर्फ ये नहीं है कि किस कालखंड में हुआ, अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में मार्च सन 2014 में एबीजी शिपयार्ड का लोन रीस्ट्रक्चर किया गया, उसका पुनर्निर्धारण किया गया। और अगर आप कुल टाइमलाइन देखें तो जून 2011 में 970 करोड़ रुपए, जनवरी 12 में 500 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया गया, मार्च 14 में रीस्ट्रक्चरिंग कर दी गई, और जब ऑडिट रिपोर्ट आई तो 2016 में फाइनली ऑडिट रिपोर्ट में उन्हें दोषी पाया गया और उसके बाद फ्रॉड घोषित किया गया हमारी सरकार के कार्यकाल में। सत्ताधारी पार्टी इस मामले में कार्यवाही का दावा कर रही है, मगर कौन सी कार्यवाही? वो कार्यवाही जिसमें फ्रॉडी देश का और बैंक का पैसा लेकर बाहर भागते जा रहे हैं। अब इतने बड़े घोटाले की खबर सुनने के बाद देश की जनता
किसे दोषी मानती है और इस मामले में क्या कार्यवाही चाहती है, आप भी सुनिए। देखिए, माना जाए तो इसमें घोटाले तो सिर्फ बैंक के ही थ्रू हैं। देखिए, इस समय चुनावी माहौल चल रहा है, सारी विपक्ष पार्टियां यही कहती है कि सरकार जिसकी होती है उसी का नाम लेते हैं, घोटाला किसके सरकार में होता है ये आदमी नहीं देखता है। माना जाए तो सारी सुविधाएं बनी हैं, अगर इसमें जांच कराया जाए तो सबसे बड़ी बात है कि किसकी जिम्मेदारी हो तो साफ साफ नज़र आ जाएगा ना, क्योंकि सारी चीज़ें तो बनी है। जैसे कि आप समझ लीजिए, GST वाले भी हैं, बैंक वाले भी हैं, सारी चीज़ें हैं, उस पर एक बार जाँच बैठानी चाहिए तब पता चल जाए किसके सरकार में घोटाला हुआ है। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारे देश में ये बताया जा रहा है कि ये ऐतिहासिक घटना हुई कि 28 तकरीबन बैंकों के साथ ये घोटाला हुआ है, और हम इसमें राजनीति खेल रहे हैं कि ये हमारे में नहीं हुआ, ये इनमें हुआ है। इसमें राजनीति दावपेच ना लाके हमें सबसे पहले सही जांच करनी चाहिए कि आखिर ये हुआ क्यों, क्योंकि ये अगर देश में बैंकों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो एक असर होगा वो हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। तो हमें गंदी राजनीति छोड़ के इसके बारे में जानना होगा कि हाँ ये कैसे हुआ है। सबसे पहले ED बैठी हुई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, CBI अफसर्स हैं, वो जांच पड़ताल करेंगे, ना कि हमें गंदी राजनीति करनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जनता का पैसा उसका सही पता लगाना चाहिए कि आखिर ये हुआ क्यों, फ्रॉड किया क्यों गया, इसके पीछे किसके हाथ हैं। बिल्कुल, देखिए बैंक का तो ये है रोल कि इससे पहले भी देखा नीरव मोदी तमाम लोग निकल गए यहाँ से, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो सरकार की होती है या बैंक की होती है। जहाँ किसी सरकार में लोन दिया गया हो तो अगली सरकार आएगी इसका मतलब क्या वसूल नहीं करेगी? निश्चित तौर पर यहाँ पर बैंक की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं वो लिप्त होते हैं, उनकी लिप्तता की जांच होनी चाहिए, अगर वो उनकी कमियाँ निकलती हैं तो उन पर कार्रवाई हो। अब बात रही सरकारों की, सरकार हमेशा आरोप लगाती है, नीरव मोदी चला गया कोई उस पर आज तक कुछ हुआ नहीं हुआ ना, तो दोनों चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो दोनों के सोचना चाहिए जनता का पैसा है वो इस तरह से देश से बाहर नहीं जाना चाहिए, कोई उसको मार के ना बैठ पाए, इसके लिए उचित कानून होना चाहिए और सख्ती के साथ उसको लागू कराना चाहिए। जनता जिम्मेदार सरकार को भी मानती है और बैंक वालों को मानती है। जैसे कि आम आदमी जब बैंक में कोई लोन लेता है और किसी कारणवश वो नहीं दे पाता, कोई मजबूरी आ जाती है गरीबी में, मगर बैंक वाले उस पर हावी हो जाते हैं, भेज देते हैं कुछ गुंडों को कि आप पैसे वसूल लो, और उसी कड़ी में जब बड़ा आदमी लेके भागता है तो ना सरकार ना बैंक कोई उस पर एक्शन नहीं लेता। ताजुब की बात है कि जो जनता दिन भर अपना आय जो कमाती है वो लोग अपने घर वालों पे खर्चा करती है, कभी कदार कोई दिक्कत हो जाती तो उसके ऊपर जोर देने के लिए सारे बैंक वाले हावी हो जाते हैं। मगर वहीं बात करें सरकार की, तो सरकार के सामने से चाहे मोदी रहे हों चाहे कोई अन्य बड़ा बैंक से चुराने पैसे ले गायब करने वाला गमन करने वाले व्यक्ति को ये लोग ध्यान नहीं देते, उसे छोड़ देते हैं। बता दें कि किसी फ्रॉडी का इतना पैसा लेकर विदेश भागने का ये मामला पहला मामला नहीं है। आखिर कब तक ये फ्रॉडी देश छोड़कर भागते रहेंगे, कब तक बैंक सरकारी एजेंसियां और सरकारें सोती रहेंगी, कब तक आम लोगों का पैसा देश के बाहर जाता रहेगा और आम आदमी इसकी भरपाई करता रहेगा। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया है कि 75 वर्षों में पहली बार 22,000 करोड़ रुपए के बैंक का धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। अगर बात बैंकों की जाए कि आम आदमी अगर बैंक साधारण सा लोन लेने जाता है तो बैंक के कर्मचारी उसकी 7 पुस्तों तक की इंक्वायरी करते हैं और तमाम दस्तावेजों की जांच करने के बाद उसे अगर 1,000 रुपये का लोन भी दिया जाता है तो उसे वसूलने के लिए बाउंसर भेजे जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े उद्योगपति अगर लोन लेते हैं तो सरकारें सोती रहती हैं जब तक वो उद्योगपति देश छोड़कर बाहर भाग नहीं जाते। अब देखने वाली बात यह होगी कि लखनऊ की जनता का कहना है कि जनता का ये पैसा है, किसी सरकारें पक्ष विपक्ष ना करते हुए इंक्वायरी कराएं, ED से जाँच करवाएँ और सही तरीके से इसकी जाँच हो। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में इंक्वायरी का क्या रहेगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं अविनाश, इंडिया पोस्ट न्यूज़, लखनऊ।